तो ये रहा एक दो और पूरा मेरा बाइक तीन पूरा एकदम ड्रेस कोड सब कुछ पहन के एकदम पूरा अभी का व्लॉग ना पूरा क्रेजी होने वाला है भाई पूरा क्रेजी एकदम ऐसा करके व्लॉग बनाने में कितना अच्छा मजा है ये देखो प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह से मेरा इनहाउस व्लॉग आना बंद और इनहाउस व्लॉग आने वाला नहीं है जो भी आएगा बाहर में आएगा और बहुत मजा करके व्लॉग बनाने वाले हैं वैसा पुराना स्टाइल पूरा बंद एकदम नया तरीके से एकदम नया मतलब सब कुछ मटेरियल्स डाल के एकदम नया वाला व्लॉग कंटेंट आएगा और नया वाला एकदम मज़ा वाला कंटेंट आने वाला है बहुत दिन से मैंने अपना ना इंस्टाग्राम में फ़ोटो डाला ना व्हाट्सएप का डीपी चेंज किया ना फेसबुक का फ़ोटो चेंज किया तो आज मैं और प्यू जाएंगे फोटोशूट करने उसका भी काम है अभी उसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 5 बजे उसके बाद हम लोग नील स्कोप जाएंगे वहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन है फोटोशूट करने का सो वहाँ पे मैं अपना कैमरा लेके जाऊँगा ऑलमोस्ट तो मैं जान गया हूँ इसमें फ़ोटो कितना अच्छा आने वाला है कौन सा एडिट करके तो जाएंगे वहाँ पे फोटोशूट वाला व्लॉग बनाएंगे कि बेकार में टाइम वेस्ट ना करें चलते हैं 1 2 3 पार्सल तो आ गया अभी इसको अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा सो अनबॉक्सिंग पैसेंजर है वो रहा ये है पैसेंजर सबसे बड़ा पैसेंजर लोगों को बेसिकली अभी इसके अंदर से जाना पड़ेगा यहाँ से पूरा अंदर होके जंगल के अंदर से लेकिन आप लोग नॉर्मली अगर नील्स को आते हो तो ये बड़ा वाला पार्किंग स्पेस है यहाँ पे गाड़ी को रखो आराम से रख के ये बीच साइड रास्ता है यहाँ से वॉक करते हुए सीधा वहाँ पे चले जाओ नील्स को पहुँच जाओ लेकिन हम लोग तो अभी यहाँ का लोकल है तो हम लोग जा सकते हैं यहाँ से अंदर में हम लोगों को कोई डर नहीं है क्योंकि डेयर डेविल तो ये रहा एक दो और पूरा मेरा बाइक तीन सो तीनों बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिया ये बेसिकली रास्ता थोड़ा सा डेयर डेविल वाला रास्ता है क्योंकि पूरा अप डाउन अगर रॉयल एनफील्ड का हिमालयन रहा तो अंदर आ जाओ बाकी पैशन प्रो लेके अंदर आने की कोशिश ही मत करो क्योंकि पूरा गाड़ी उड़ेगा नहीं कूदकेगा पूरा गाड़ी सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं नील्स को जो कि मैं बताया था कि यहाँ पे हम लोग आने वाले फ़ोटोशूट एंड मेरा और एक चीज़ जो मैं बताया नहीं था एक्चुअली वीडियो मैंने स्टार्ट किया था कल रात को और अभी एंड होगा आज मतलब कल रात को मैं आया था यहाँ पे लेकिन इसका थोड़ा सा तबीयत ख़राब था करके हम लोग यहाँ पे और नहीं आए फ़ोटोशूट करने के लिए मैं रुक गया था मैं बोला ठीक है कल सुबह तुम्हारा छुट्टी जब है तो एक ही बारी में आते फ़ोटोशूट करते हैं एंड उसके साथ साथ मेरा अनबॉक्सिंग का भी वीडियो बनाना था तो मैं बोला ठीक है एक ही बारी में अनबॉक्सिंग करेंगे एकदम नेक्स्ट लेवल अभी तक आप लोग अनबॉक्सिंग देखे हो कोई रूम के अंदर या तो कोई एक जगह में जाके करते हैं लेकिन मेरा होगा एकदम बीच साइड ओपन एयर में एकदम नेचर के हवा में बैठ के पूरा ओपन करने वाला है क्योंकि जो अनबॉक्सिंग है वो सनलाइट में ही सबसे अच्छा काम दिखाई देगा
पूरा एकदम ड्रेस कोट सब कुछ पहन के, एकदम पूरा पहन के जोड़ा लाल कलर में, देखा मैडम को? अरे बाप रे बाप। बाकी ग्रुप का मेंबर 1, 2, 3, तो हम लोग टोटल 5 मेंबर आए हैं। उसके साथ और एक मेंबर है जो कि मिस्टर ग्रूट, जिसको मैं ऑलरेडी दिखा दिया कि कौन है मिस्टर ग्रूट। मेरे को ये चीज़ बहुत गुस्सा आता है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना अचानक मेरा वीडियो स्टॉप हो जाता है, अचानक मेरा वीडियो स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा कैमरा को कभी कभार लगता है ना ऐसे उठा के समुंदर में फेंक। अभी का ब्लॉग ना पूरा क्रेजी होने वाला है भाई, पूरा क्रेजी एकदम, मतलब एकदम वो पहले की तरह ब्लॉग नहीं है, अनोखा अनोखा, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। 1000, कैमरा को पकड़े रहो, ऐसा एंगल में ही पकड़ के रहो। तो कभी आप देखे हो कि अनबॉक्सिंग होते हुए, वो भी ऐसा समुंदर किनारे जो कि अनबॉक्सिंग हो रहा है। और ये जो चीज़ है, मैं इतना दिन से जो ब्लॉग में बोलता आ रहा हूँ, एक यूट्यूबर को देख के, इन्फ्लुएंस होकर मैंने खरीदा। लोगों देख के तो पता चल गया होगा कि कहाँ से आया है, आईवेल लैब से आया है। तो आईवेल लैब मतलब सनग्लास ही होगा। अब इसको अनबॉक्स करने से मालूम पड़ेगा किसका वीडियो देख के मैंने इसको खरीदा है। तो मेरा चाकू भी मैं लेके आया, तो इसको ओपन कर। तो बॉक्स को ओपन कर दिया है मैंने, को फोल्ड करना पड़ेगा बॉक्स। अभी सनग्लास जब है तो मेरा ये वाला स्पेक्स को ओपन करना पड़ेगा, इसको पहन के देखना पड़ेगा कि मेरे को कैसा लग रहा है। थोड़ा बाल वाल सेट कर देता हूँ तो लड़की लोग पसंद नहीं करेंगे। ये सब बात मत बोलो बीवी के सामने, क्योंकि मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है, मेरा बीवी पकड़ा हुआ है मेरा कैमरा। फाइनली बॉक्स। ये जो भाई पैकेट है ना, ये पैकेट बबल रैप, ये देखने से एक बचपन का फील आता है। ये जैसे पट पट करके साउंड आता है तो एक बचपन वाला फील आता है। सवेरा बेसिकली सनग्लास, अभी सनग्लास का फ्रेम देख के तो मालूम पड़ रहा है कि मैं मुंबई का निखिल का वीडियो देख के मैं ये वाला खरीदा हूँ। सही में पहन के अलग ही फील है, मैं बता रहा हूँ, पहन के अलग ही फील है। अगर ऑर्डर करते हो तो आईवेल ऐप से ये वाला सेट्स ऑर्डर करो, एंड बेस्ट आपको मिलेगा। क्योंकि मैं अभी पहन रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना लाइट वेट है। उसके साथ कलर इफेक्ट तो और भी अच्छा है, मतलब एकदम चुम्बेश्वर वाला फील है। सही मैं बता रहा हूँ, ये पहन के मैं ब्लॉग बनाने में मेरे को और प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को क्लियर कट दिखाई दे रहा है, मेरा कैमरा में फोकस कितना है क्या नहीं है, सब कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर। सबसे बड़ा चीज़, मेरा ग्लास जितना फेस पे फिट हुआ है ना, एग्जैक्ट पूरा एकदम। और मतलब भाई अभी लड़की लोग तो देखेगा, ये तो गारंटी है भाई। शादीशुदा हो के ऐसा मत बोल रहे भाई, तुम लोगों को ऐसा इंफ्लुएंस मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही में भाई मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं वो कमेंट पे बताओ। एंड हम लोग 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, तो अभी भाई का चैनल में जो ब्लॉग आने वाला है ना, वो ब्लॉग नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ऐसा करके ब्लॉग बनाने में कितना अच्छा मज़ा है ये देखो। आराम से खड़े रहो, सेफ्टी जैकेट पहन के भी।
करते हो, कैसे टाइम बीतता है पता नहीं। हम लोग जब यहाँ पे आए ऑलमोस्ट टाइम था 12 बजे, कुछ 12 o'clock तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे एंड अभी 3 बज रहा है। मतलब सोच के देखो 3 घंटा कैसे बीत गया, हम दोनों को पता भी नहीं चला। दोनों कंटिन्यू स्विम किए एंड कुछ आज हम लोगों ने GoPro से भी कुछ कुछ फुटेज हम लोगों ने लिया है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने फुटेज तो चेक कर। ब्लॉग यहाँ पे एंड नहीं होगा, एंड घर में जाके मैं एंड करने वाला हूँ, यहाँ पे एंड नहीं करूँगा। सो हम लोगों का आज का एडवेंचर हो गया ख़त्म, अभी सीधा घर की तरफ, क्योंकि बहुत जोर का भूख लग गया है, बहुत जोर का, इसका भी, मेरा भी, इसका भी, सभी का, सभी का। भी कुछ नहीं होगा, पहले खाना बनाना पड़ेगा फिर तो खाना बना के ही खाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं विदाउट मिल जाएगा। ये देखो ये भी आज ना आया है, तो मेरा चश्मा, ये देखो यहाँ पे भूल जा रहा था चश्मा, और मेरा पैन घुसाओ। देखो मैडम को देखो क्या पहन के जा रहा है, किया बालू, वो बालू एक ही बालू, बालू वालू थोड़ा सा रहेगा, प्रॉब्लम नहीं, सब डूब गया, ठूस ठूस के घुसा उसके अंदर, बैग के अंदर ठूस ठूस। सनग्लास यहाँ पे एक है। आज हम दोनों ने अच्छा खासा मजा किया, मैं ये मतलब मैं तो बहुत पानी पिया। 2 साल अंडमान में रहे, उसके बाद आज जाके हम लोगों ने मतलब बोल सकते हो कि हाँ परफेक्ट मजा किया हम लोगों ने। कल जब मैं ब्लॉग बना रहा था ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है। मैं 2 फुटेज शूट किया था, एक 500 सब्सक्राइबर, थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर, और एक फुटेज शूट किया था थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर। जिस लेवल से मेरा सब्सक्राइबर कल ग्रो किया, मेरे को डाउट था कि शायद से 1000 सब्सक्राइबर आज ही कंप्लीट हो जाएगा, और वही हुआ, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर मेरा चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड इसको 1000 सब्सक्राइबर वाला फैमिली बनाने, 1000 सब्सक्राइबर वाला चैनल एंटर हुआ अभी सिर्फ। सो अभी तो कंटेंट नेक्स्ट लेवल आने वाला है, नेक्स्ट लेवल, सिर्फ सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो एंड प्यार देते रहो, और कुछ नहीं चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और अभी ब्लॉग अलग अलग आने वाला है।